हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं ऑब्स्ट्रा के बारे में। ऑब्स्ट्रा क्या है? ऑब्स्ट्रा है एक वेबसाइट जिससे हमें ये पता लगता है कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें जो है रिजल्ट आने वाला है या फिर किसमें रिजल्ट आ चुका है। तो इससे हमें क्या फ़ायदे हैं? जो स्टॉक्स हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, काफ़ी जो लोग हैं उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि जो रिज़ल्ट आते हैं उस दिन जो डे है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और रिज़ल्ट आने के पहले भी और बाद में भी। तो जो रिज़ल्ट एंट्री होगी हमारी, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी हम इसमें बात करने वाले हैं कि हमें ये कैसे पता लग सकता है कि कौन से स्टॉक में कहाँ पे जो है किस दिन रिज़ल्ट आने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मेरी ऑब्स्ट्रा की वेबसाइट खोली हुई है। ये आप कहाँ पे सर्च करेंगे? आप गूगल पे सर्च करेंगे ऑब्स्ट्रा वेबसाइट, तो वहाँ पे आपको ये जो चीज़ है लिंक आ जाएगा और वहाँ से आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसके बाद आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल से इसको लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक ये होम स्क्रीन खुल गई है। होम स्क्रीन खुलने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। इनमें से सारे ही ऑप्शंस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज क्योंकि हम बात करने वाले हैं रिजल्ट के बारे में, तो हम पहले देख लेते हैं। ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शंस में भी आप देखेंगे इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। स्ट्रेटजी चार्ट हो गया, वोलेटाइल सरफेस हो गया, ऐसे अलग अलग तरीके के, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन और उतने ही इम्पॉर्टेंट है और इतने ही हमारे काम भी आते हैं। लेकिन हम स्पेशली बात करने वाले हैं रिज़ल्ट कैलेंडर के बारे में। रिज़ल्ट कैलेंडर के बारे में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे अक्टूबर का जो मंथ है वो यहाँ पे खुल गया है, और अक्टूबर का मंथ खुलने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपको येलो डॉट्स दिखेंगी। येलो डॉट्स क्या शो करते हैं? येलो डॉट्स ये शो करती हैं कि कौन से स्टॉक है जिसमें रिज़ल्ट आने वाला है। जैसे कि अब मंडे को 18th डेट, तो हम 18 पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि 18 तारीख को जो है इन दो स्टॉक्स में रिजल्ट आने वाला है। ये कौन कौन से स्टॉक्स हैं आप देख सकते हैं। पहला है अल्ट्राटेक सीमेंट और दूसरा है LTI। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दो स्टॉक्स हैं, मंडे को हमें इनमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जिस दिन रिज़ल्ट आता है उस दिन जो स्टॉक है उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, कि मार्केट जो है अगर हम इसमें ट्रेड लेते हैं तो जो स्टॉक है इसमें किसी भी साइड पे कभी भी जो है मूवमेंट हो जाती है। तो इसके बारे में हमें ये भी पता लग जाता है कि कब जो पहले वाले जो रिज़ल्ट है वो इसमें कब आए थे। हम LTI पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास कोई दूसरी वेबसाइट खुलेगी, लेकिन हम फिर से होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पहले जो इसने क्वार्टरली रिज़ल्ट दिया था वो दिया था 15 जुलाई को, और इसका टाइमिंग क्या है 6:15 का। मतलब कि इसमें हमें ये पता लग गया कि इसका रिज़ल्ट जो है मार्केट ख़त्म होने के बाद आता है, पहले नहीं आता है। ऐसे ही अगर हम और किसी भी अगर येलो डॉट पे जो डेट हो चुके हैं 8th के बारे में बात करें, तो देखिए इसमें TCS में आया था। तो ऐसे ही जो है हमें पता लग जाता है कि कौन से स्टॉक्स में कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इन स्टॉक्स में कैसे एंट्री कर सकते हैं, कहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। तो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।